तो गाइस काफी सारे लोग बहुत दिन से भाई परेशान हैं, उनको मिंट्स नहीं मिल रहे हैं। अगर आपको भी मिंट्स नहीं मिल रहे हैं तो भाई आपके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपके दो तीन टॉपिक कवर करूंगा। लाइक यहाँ पर कुछ लोगों को मिंट्स मिल ही नहीं रहे हैं, कुछ लोगों का सिलेक्शन हो गया है लेकिन उनको मिंट्स नहीं मिल रहे हैं, कुछ लोगों को पहले मिंट्स मिल रहे थे, सिलेक्शन हो गया, उनको मिंट्स मिल भी रहे थे लेकिन भाई अभी नहीं मिल रहे हैं, जस्ट एक या दो वीक से नहीं मिल रहे हैं। इन तीनों क्वेरीज के लिए मैंने मौज ऐप से ऑफिशियली बात की है, उन लोगों ने मुझे क्या बताया आप इस वीडियो में प्रूफ के साथ देख सकते हो ताकि आपको भी मिंट्स मिलने लग जाएंगे। चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इंस्टा पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना यार, आईडी आपको स्क्रीन पर शो होते रहेगी, लिंक भी सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं अपना मौज ऐप ओपन। तो यहाँ पर एक बार हमारे फॉलोअर्स आप लोग देख लीजिए, देन थ्री डॉट्स पे क्लिक कर लेते हैं, वॉलेट के ऑप्शन पे चले जाते हैं। वॉलेट ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पर आपको मेरा पूरा पैसा दिख जाएगा। यहाँ पर 66,000 रुपए बचे हैं मेरे पास अभी, और यहाँ पर आपको अभी दिखा दें कि मुझे अभी जो मिनट्स मिले हैं कल या परसों में वो कितने मिले हैं, क्योंकि मैं वीडियो तो डाल नहीं रहा था तो जाहिर सी बात है कम ही मिनट्स मिले होंगे। तो एक बार हम मिनट्स पे अपने क्लिक कर लेते हैं हिस्ट्री पे, तो यहाँ पर मिनट्स पे चले जाते हैं। देन यहाँ पर देखो 144 मिनट्स मुझे मिले थे, मैंने यहाँ पर एक वीडियो आपको विड्रॉल लेकर दिखाया था 50,000 का। तो यहाँ पर विड्रॉल लेने के बाद यहाँ पर 144 मिनट्स मुझे मिले हैं 7/7/2022। लेकिन भाई कुछ लोगों को तो ये भी नहीं मिल रहे हैं, तो भाई अब आपको मिलेंगे कैसे? तो भाई फाइनली मैंने इसके रिगार्डिंग मौज ऐप से बात की। मैंने दो मुद्दे रखे यहाँ पर कि मैंने कहा कि भाई कुछ लोगों को सिलेक्शन होने के बाद भी मिनट्स नहीं मिलते हैं, या फिर मिनट्स मिल रहे थे लेकिन वो एकदम से अचानक से मिलना बंद हो गए। तो उन लोगों ने मुझे क्या बताया, तो यहाँ पर सबसे पहले हम पहले मौज ऐप पर चले गए। देन यहाँ पर आपको ऊपर दिखा देते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा था एक्चुअली इस बार मिंट्स क्यों नहीं मिले। देन यहाँ पर इनका रिप्लाई आया था, हेलो लक्ष्मीधर, मिंट्स के लिए आपको सारे गाइडलाइंस प्रॉपरली फॉलो करने होंगे बिकॉज अब से मिंट्स का क्राइटेरिया चेंज हो गया है। देखो पहले आपको मिंट्स ऐसे ही मिल जाते थे, सिलेक्शन के बाद आपको मिंट्स मिलने लगते थे, ठीक है, लेकिन अभी इनका क्राइटेरिया बदल गया है। अभी कुछ लोगों को ये भी हुआ है कि भाई सिलेक्शन होने के बाद मिंट्स मिल रहे थे लेकिन अचानक से मिलना बंद हो गए, तो अब क्राइटेरिया हो चुका है चेंज। तो अब क्राइटेरिया क्या हुआ यहाँ पर देखो, एंड इसके लिए आपके वीडियोस के परफॉर्मेंस के साथ साथ आपके कंटेंट पे एंड की एंगेजमेंट पे भी ध्यान दिया जाएगा, सब कुछ आपका देखा जाएगा कि आप कैसा कंटेंट बना रहे हो। तो मैंने यहाँ पर लिखा मिंट्स गाइडलाइंस कहाँ से रीड करें, तो इन लोगों ने मुझे पूरी मिंट्स की गाइडलाइंस ही दे दी। तो यहाँ पर देखो मिंट्स अर्न करने के लिए क्या करें, तो यहाँ पर मुझे पूरे पूरे इन लोगों ने लगभग 10-12 पॉइंट्स बता दिए। यहाँ पर देखो सबसे पहला पॉइंट से डेली 2-3 वीडियो पोस्ट करें, ठीक है, तो डेली आप 2-3 वीडियो डालना अगर अभी तक नहीं डाल रहे। सेकंड यहाँ पर देखो चैलेंज एंड ट्रेंड्स में पार्टिसिपेट करें। मैंने यहाँ पर मैं आपको एक बार कट करके दिखा देता हूँ, जैसे मौज ऐप पर क्लिक किया, देन यहाँ पर आपको सर्च वाले आइकन पर क्लिक करना है, ये जो चैलेंजेस आते हैं ये सब बैनर टाइप के, इन पर आपको पार्टिसिपेट करना होता है, ठीक है। देन यहाँ पर देखो मौज लेंस का यूज़ करना, जो मौज के फिल्टर होते हैं वो आप यूज़ करना, मौज के लेंस यूज़ करना। देन यहाँ पर पांचवा नंबर क्या है, कैप्शन एंड हैशटैग सभी वीडियो पर यूज़ करें, मतलब कि कैप्शन जब आप लोग अपलोड करने जाते हो तो वहाँ पर आपको एक हैशटैग का ऑप्शन आता है, हैशटैग लगाओ या फिर कुछ वीडियो के बारे में लिखो, तो आप जरूर लगाना कैप्शन और हैशटैग जरूर लगाना। देन यहाँ पर छठे नंबर पर आपके जनरल के अकॉर्डिंग वीडियो क्रिएट करें, जैसे आप कॉमेडी वीडियो ज़्यादा बनाते हो तो भाई कॉमेडी वीडियो के हिसाब से ही अपनी वीडियो अपलोड करो, ये नहीं कि भाई आप किसी पर लिपसिंग कर रहे हो, कहीं पर डांस कर रहे हो, ये नहीं चलेगा। और सात नंबर पर क्या, अपने वीडियो के स्टार्टिंग के 5 सेकंड को इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग रखें, जिससे सक्सेसफुल वॉच में व्यूज काउंट हो। तो अपनी वीडियोस को कुल मिलाकर ये लोग कह रहे हैं दमदार बनाया जाए, जिससे लोग आपकी वीडियो को पूरा देखें, मिनिमम 5 से 10 सेकंड तो देखें ही देखें। आठ नंबर पे क्या है, अगर वीक में आप टोटल 15 वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं तो ट्राई करें कि आधे वीडियोस को आप अच्छे से एडिट करके पोस्ट करें, जिसमें आपका एक्स्ट्रा एफर्ट नजर आए। जबकि ये लोग बोल रहे हैं कि अगर आप 15 वीडियोस एक हफ्ते में डाल रहे हैं तो इसमें से भाई आपके कम से कम 7 या 8 वीडियो में आप ऐसा करें कि भाई उनको लगे कि भाई हाँ बंदा रेगुलर कुछ ना कुछ मेहनत करता जाता है, हर वीक कुछ अपना इंप्रूव करते जाए अपनी वीडियोस में, एक्स्ट्रा एफर्ट दिखना चाहिए उनको। कि यहाँ पर देखो 9 देखो सभी वीडियो को सही एंगल में शूट करें और ग्रूमिंग बैकग्राउंड लिपसिंग सब परफेक्ट रखें, मतलब कि भाई एंगल सही रखो, प्रॉपर एंगल, ये नहीं टेढ़ी मेढ़ी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, कैसी भी रिकॉर्ड हो रही है, बैकग्राउंड एकदम क्लियर होना चाहिए, लिपसिंग आपकी एकदम से मैच होनी चाहिए वॉइस पे, ठीक है, बाकी सब परफेक्ट रखें। यहाँ पर देखो हर वीक की वीडियो में कुछ चेंज लाएं, इससे सेम टाइप का कॉन्सेप्ट ना लगे वीडियो में, तो हर वीक भाई आपको कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर क्या ना करें, आपको क्या नहीं करना है, वाटरमार्क वीडियो जैसे कि इंस्टा की रील वगैरह, ये फिर डाउनलोड करके ना अपलोड करें किसी की भी, या फिर अपनी भी ना डाउनलोड करके अपलोड करें अगर वाटरमार्क आ रहा है तो। यहाँ पर देखो 1-2 दिन का गैप ना करें वीडियो पोस्ट करने में, भाई वीडियो पोस्ट करने के लिए गैप आपको नहीं लेना है। नंबर पर देखो एब्यूजी या फिर ऐसी कोई वीडियो ना डालें जिससे गलत लोगों को मैसेज जाए। अब आप लोग समझ गए कि भाई अगर आप इनमें से कोई भी गलती अभी तक कर रहे थे इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आप ये चीज़ सुधार लो अभी से। अगर इसमें से आप 50% भी गलती सुधार लेते हो तब भी आपको मेंट्स नहीं मिलना बंद होंगी। अगर आप इसमें से भाई 100/100 गलती करते हो, सारे के सारी रूल्स इनके नहीं फॉलो करोगे तो भाई आपको मेंट्स नहीं मिलेंगे। इसमें से लगभग आपको 50% तो फॉलो करना ही पड़ेगा। तो आई होप गाइस आपको सबको समझ में आ गया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।